हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक जिसमें मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। बहुत प्रॉब्लम होती है किसी भी वेजिटेरियन के लिए, कहाँ से वो अपना प्रोटीन डाइट में पूरा करें। तो इसी प्रॉब्लम का मैं एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको टॉप 10 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो कि इजिली मार्केट्स में अवेलेबल है। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सिर्फ ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है, उसका मेन फंक्शन और भी है कि वो हमारी मसल जो ब्रेकडाउन होती है वर्कआउट में, उसके बाद उसको रिपेयर भी करता है। So protein sources are considered to be very important in our diet. So today in this video I'll be listing down these top 10 protein sources in order. So number 1, सबसे पहले आता है सोयाबीन। In 100 gram of soybean there is 36 gram of protein. इसका फायदा ये है कि ये females के लिए consider करा जाता है कि वो बहुत ही अच्छा है। It relieves the menopausal symptoms और breast cancer के भी chances वो कम करता है। तो सोयाबीन इज द टॉप मोस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मेल्स को अगर वो लेना भी है तो लिमिटेड सोर्सेज में ही लेना पड़ेगा। सेकंड थिंग विच कम्स इज पीनट बटर। इन 100 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर देयर इज 24.1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। द अदर बेनिफिट्स ऑफ पीनट बटर इज इसमें हेल्दी फैट होता है और ये हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स को डिक्रीज करता है। थर्ड थिंग विच कम्स इज टोफू। टोफू में मेरा मतलब है फर्म टोफू। 100 ग्राम्स ऑफ टोफू contains 17.3 grams of protein, जो कि बहुत rich source of protein है। इसका other benefit ये है कि इसमें calcium और iron भी है। Next thing which comes is almonds। अगर हम 100 grams of almonds ले रहे हैं, मतलब बादाम ले रहे हैं हम, तो उसमें 16.5 grams of protein हमें मिलेगा। इसका benefit ये भी है कि ये हमारी skin और हमारी eyes के लिए बहुत अच्छा है। Next thing which comes is lentils या फिर beans। इसमें आता है red या green lentils, white beans, kidney beans या फिर chickpeas। 100 ग्राम ऑफ दीज लेंटिल और बीन्स हैव 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसका फायदा ये भी है कि इसमें अच्छे सोर्सेज हैं फाइबर के, आयरन है और इसमें पोटेशियम भी है। सो यू कैन हैव इट इन योर लंच और योर डिनर। सिक्स नंबर पे आता है मिल्क। अगर आप एक कप मिल्क का ले रहे हो तो उसमें 8 ग्राम्स ऑफ आपको प्रोटीन मिलेगा। इसका बहुत अच्छा फायदा ये भी है कि इसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम और आपको पोटेशियम भी मिल रहा है। सेवंथ पे आता है चिकपीस, यानी कि छोले या फिर चने जिसको हम बोलते हैं। 100 ग्राम्स ऑफ चिकपीस कंटेन्स 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसका फायदा ये भी है कि इट कैन बी ईटन एज हमस एज एन ऑल्टरनेटिव टू योर बटर। और नंबर 8 इज लो फैट योगर्ट, दही मतलब। 100 ग्राम्स ऑफ योगर्ट कंसिस्ट ऑफ 5 grams of protein. On number 9 is quinoa. 100 grams of quinoa consists of 4.4 grams of proteins. Iska other benefit ye hai ki isme magnesium, iron aur aapko fibers bahut mil rahe hain. Last but not the least, number 10 pe aata hai chia seeds. Agar aap ek chamach chia seeds ka lete ho, so you will have 2 grams of protein. Iska benefit ye hai ki aap log usko smoothies mein dal ke aap log le sakte hain. Plus iske sath sath कहीं लोग क्या करते हैं इसको योगर्ट पे डाल के भी लेते हैं। इसके अदर बेनिफिट्स ये हैं कि दैट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड रिच इन फाइबर्स। सो ये मैंने अभी आपको 10 लिस्ट डाउन करे हैं प्रोटीन सोर्सेस इन ऑर्डर, जिसमें कितना ज्यादा प्रोटीन है और लास्ट में उसमें उतना कम है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। कीप लाइकिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग इट। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट वंस अगेन।